मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बालतू की बेटी मारी, क्या तुम दोगन सरदार के बेटे तुरगुत साहब को सोने के सिक्कों और 30 भेड़ों के एवज अपना शौहर कबूल करती हो? मैं कबूल करती हूँ। कबूल करती हो? कबूल करती हूँ। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। दुगुन सरदार के बेटे तुरगुत, क्या तुम बालतू की बेटी मारी को जो हक महर तुमने कहा उसके बदले अपनी बीवी कबूल करते हो? कबूल है। कबूल करते हो? कबूल है। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। आप दोनों हजरात गवाह हैं इस निकाह के? हाँ, गवाह हैं। अल्लाह आपका निकाह कबूल फरमाए। आमीन। या अल्लाह, तुरगुत और मारी के निकाह को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा अपने हबीब के सदके। आमीन। या अल्लाह, इनके निकाह में बरकत अता फरमा। आमीन। इस जोड़े की अज़दवाजी जिंदगी मोहब्बत, खुशहाली और हमेशा अल्लाह की रहमत के साए में गुजरे। आमीन। आमीन। इन दोनों के दरमियान नफरत और लड़ाई या अलैहदगी जैसा कोई वाकया ना हो। आमीन। सब दुआ कीजिए। आमीन या अल्लाह। देखो इनको, तुरगुत साहब और मारी हमारे बाद एक दूसरे से मिले, लेकिन उन्होंने हमसे पहले निकाह कर लिया। हमारी शादी कब होगी पागल लड़की? खामोश हो जाओ पागल आदमी, खामोश। चूंकि निकाह की तकरीब हो चुकी है तो अब ये तलवारें खींचने का वक्त है।
को उस्मान साहब, इतने कम वक्त में खूबसूरत शादी का इत्मीनान, यकीन नहीं आ रहा मुझे। हैरान होने की जरूरत नहीं है कोसिस, अपनी शादियों के लिए हम और जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देख रहा हूं मैं। आपके लिए एक और अच्छी खबर है मेरे पास। रोगतुस राजी हो गया, वो आपको बिलेजिक कले में दाखिल होने देगा। वजीर आलम शाह, यही वक्त है तुम्हें मजा चखाने का, और इस तरह मैं अपने बदतरीन दुश्मन से भी इंतकाम ले सकूंगा, निकोला, जिसने मेरी बहन को कत्ल करने की कोशिश की।